इस कार्यक्रम के प्रायोजक शारदा यूनिवर्सिटी अपना ये घड़ी डिटर्जेंट केक। हमारे करियर सेगमेंट की ओर और जानते हैं किस तरह से नए करियर विकल्प मौजूद होने की वजह से आधी आबादी को मिल रही है नई सोच। कंप्यूटर से लेकर हैवी मशीनों के इस्तेमाल तक, आईटी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारियों तक और इनके हौसलों से झलकते इनके इरादों तक नजर आती है वो तस्वीर जहां इन युवा लड़कियों की तैयारी है देश की तकनीक को विकास के उस पड़ाव तक लेकर जाने की, जहां भारत बनेगा टेक्नोलॉजी का नया चेहरा। ये है वो युवा लड़कियां जो तकनीकी क्षेत्रों में आकर देश की प्रगति को देना चाहती हैं एक नया आयाम। जमाना बहुत बदल चुका है और ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ MBBS करें या घर पे बैठें या BSc BCOM। लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लड़कियां आजकल बहुत करियर ओरिएंटेड भी हो गई हैं। गर्ल्स कैन डेफिनेटली बी बेटर इंजीनियर्स, दे आर वेरी क्रिएटिव एंड दे आर वेरी एंटरप्रेन्योर, दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी नाइसली। By and large, the IT industry, the BT industry and the nanotechnology is going to be ruled by the girls. आज तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही टेक्नोक्रेट्स की डिमांड के मद्देनजर देश के हर छोटे बड़े शहर में खुल चुके हैं तकनीकी शिक्षा संस्थान, जिनकी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और अपडेटेड कोर्सेज के जरिए आप इस क्षेत्र में पा सकते हैं बेहतर शिक्षा के विकल्प, जहां 10+2 के बाद एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप इंजीनियरिंग के इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं और IT, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल जैसे विषयों में स्पेशलाइजेशन भी पा सकते हैं। Doing the projects, we are guiding them to do the mini projects in the pre-final year itself. According to the curriculum, they have a project in the final year. And also we are training them to present papers in national and international purpose. Power system analysis में हम लोग transmission losses, जो electricity जो एक point से एक point तक हम जो भेजते हैं, the place where we produce it to the place of requirement, उसमें बहुत losses होता है, उसको कैसे reduce करना है वो हम लोग highlight करते हैं। Constructions ये सब जैसे fields हैं, हम लोग IT department के लिए भी जा सकते हैं, there is equal opening for EEE students in IT sectors also. तो हमारा फील्ड एवरग्रीन है। तकनीकी जगत में आज कंपनीज की प्रायोरिटी होती है ऐसे प्रोफेशनल्स जिनमें काम की नॉलेज के साथ हो किसी सिचुएशन को फेस करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान कोर्स के दौरान ही छात्रों को देते हैं सेल्फ एक्सपोजर और पर्सनालिटी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग, जो बेहद अहम भूमिका निभाती है उनको मिलने वाले प्लेसमेंट्स में। सिर्फ इंजीनियरिंग करिकुलम is not sufficient. You need to have personal development, you need to have state of the art information, you need to have state of the art technology that is readily available, which the students can use so that they become fit enough for the next global market. Teaching just engineering was probably in our time. Now you need to give additional information on communication skills, interpersonal skills, soft skills, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्किल्स। नाउ हर बच्चे को प्लेसमेंट मिले यही ट्राई करते हैं वो लोग। वी हैव कंपनीज विच कम फॉर बिलो 65% स्टूडेंट्स के लिए भी, प्लस पेपर प्रेजेंटेशंस एंड IEEE पेपर्स प्रेजेंट करना, इन सब मामलों में बहुत ध्यान दिया जाता है, टीचर्स बहुत एनकरेज करते हैं। द करियर इज वेरी गुड बिकॉज इंजीनियरिंग एज इट इज अ बेसिक दीज डेज, वेदर यू टेक एरोनॉटिक्स और इवन इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन अ टेक्निकल फील्ड, यू नीड योर बेसिक्स फ्रॉम इंजीनियरिंग। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू, वी नीड टू फिनिश आवर इंजीनियरिंग। दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सीलेंट करियर, बिकॉज मैक्सिमम वेदर यू सी गर्ल्स टेकिंग अप MBA or joining companies, IT companies, even interest and research, everything has its basis in engineering. Technology के अच्छे professionals ही बदल सकते हैं देश के तकनीकी विकास की तस्वीर, और इस सोच के साथ तकनीकी शिक्षा में किए जा रहे ये प्रयास ही तय करेंगे आने वाले दिनों में देश का भविष्य। मेरा सबसे बड़ा एम्बिशन ये है कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती हूँ एंड मैं ही उनके लिए लड़का हूँ और मैं ही उनके लिए लड़की, सो मैं किसी भी लड़के से पीछे नहीं जाना चाहती। So as a teacher, I need to keep myself abreast with present knowledge. The student needs to know what is required for tomorrow, not for today. Only then engineering education will be complete. Girls are very bold enough to
come forward for any activities, extracurricular activities, sports activities. They are going and participating in VTU Fest. किसी दौर में लड़कों का क्षेत्र समझे जाने वाले टेक्निकल फील्ड में आज लड़कियां भी बना रही हैं अपनी एक अलग पहचान. यही देखते हुए अब छोटे शहरों में भी ये शिक्षण संस्थान लड़कियों को हाई एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ने का अवसर दे रही हैं.